अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, स्टार्ट में जी दिखा रही हूँ आपको बर्गर। ये बिल्कुल इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करने के लिए दिखा रही, ये मेरी बेटी ने बनाया था। तो वो कह रही थी जी ज़रूर आप इसकी पिक सेंड करें कि मैंने बनाया है। तो ये मसाले वगैरह खत्म हुए हुए थे, तो मैं पीस रही थी मसाले, पिसा गर्म मसाला और सूखा धनिया और काली मिर्चें मैं घर में खुद पीसती हूँ, क्योंकि आप बाज़ार से लाए तो उस मसाले की खुशबू और इस मसाले की खुशबू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो है करेले चिकन, जो कि मैं अपने स्टाइल में पकाती हूँ। तो उम्मीद है आप भी बना के जब इसको टेस्ट करेंगी तो दूसरे करेलों से आपको डिफरेंट लगेगा। ये ग्रेवी वाला चिकन करेले मैं बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी। तो स्टार्ट में जो अलग अलग से बताते हैं जी वो नहीं मैं दिखा सकी, वो वीडियो स्किप होगी। तो बस स्टेप बाय स्टेप बनाती जाऊंगी और आप देखते जाएं। बड़े सिंपल तरीके से लहसुन अदरक की पेस्ट को भून लें, तो जब वो उसकी खुशबू आने लग जाए तो उसमें डाल दें सिंपल चिकन। तो मैं करेलों को कोई नमक वगैरह लगा के नहीं बनाती, तो माशाल्लाह से बड़े मज़े के बनते हैं। थोड़े से बस जितने करेलों को कड़वा रहना चाहिए उतने से होते हैं, बस मामूली से। जैसे आम लोगों के करेले बहुत कड़वे, वो नमक लगा के धो के बनाते हैं, मैंने इसमें देखे डायरेक्ट काट के वो वैसे बनाए हैं और बहुत मज़े के बने थे। तो चिकन जब हमारा हो जाएगा ब्राउन, उसमें डाल देंगे जी नमक मिर्च हल्दी। तो दो कढ़ाइयों में मैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग से बनाऊंगी और बाद में कर दूंगी मिक्स, और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए जी, चिकन ब्राउन करके उसमें मैंने डाल दिए थे मसाला जार, जो सिंपल घर में तीन चीज़ें डालते हैं वही डाली है मैंने। तो उसके बाद मैंने प्याज काट के रखे हुए थे तो वो डाल देने हैं, यानी कि ये तकरीबन 2 किलो चिकन था, 1 किलो करेले थे और 3 पाव टमाटर और 3 पाव प्याज था। आप प्याज कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक, बाज़ लोगों को प्याज ज़्यादा नहीं पसंद, कर सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको ढाम के रखूँगी और बस इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा पानी का छींटा। तो मैं तो कभी कभी पानी की जगह दूध भी डाल देती हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं। अगर आपको जो मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बस अगर सब्सक्राइब करें, तो साथ ही जी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस सिंपल तरीके से चिकन में प्याज डाला, यानी कि ये प्याज चिकन वाला जो ग्रेवी वाला मसाला है वो रेडी हो जाएगा और अलहदा से हम लोग पकाएंगे करेले। तो करेले मैंने डायरेक्ट काट के, कोई नमक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, बस उनको छील के दो कैसे काट लिए और थोड़े से आयल में डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस पिछले दिनों में थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी, अभी भी थोड़ी सी है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। तो अगर थोड़ी सी कमी बेशी लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो आप इस तरह करेले बना के जरूर ट्राई करना, मुझे बताना कमेंट्स में कि आप कैसे लगे हैं। तो चिकन हमारा हो चुका रेडी, ये देखें जी बहुत मज़े के ये करेले बनते हैं जी, ग्रेवी वाले करेले चिकन, बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। थोड़े से आयल में, देखिए मैंने बहुत आयल में ज़्यादा इनको कुक नहीं किया, फ्राई नहीं किया सॉरी, थोड़े से आयल में इसको फ्राई करके डाल दिया मैंने टमाटर। तो बस इस टमाटर के मसाले, जो टमाटर है ना वही हमारे करेले की कड़वाहट को ख़त्म करता है। तो इसमें भी 2 मिनट इसको दम पर रखने के बाद पानी का छींटा लगाएंगे, चाहे दूध का लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें जी, इसको बस टमाटर को जल्दी जल्दी इसको मैश करें, तो इतना ज़्यादा इसको भूनना है कि जो टमाटर जो है ना बिल्कुल मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें पानी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबका दस्तरखान वसी रखें। तो हम सबको किसी भी बीमारी से, बुरी नज़र से, हर तरह के नागानी आफत से महफूज रखे। तो ये देखिए जी, अब वो हमारे करेले हो चुके हैं। तो जो बाकी चिकन मैं रेडी किया था वो इसके साथ मिक्स कर देंगे। बस अब इन दोनों को इकट्ठे भूनना इतना कि इसमें आयल ऊपर आ जाएगा। तो मैं आपको जो डिश आउट करके वो बराबर दिखा नहीं सकी, क्योंकि आपको बताया था घर में काम हो रहा है, बस जल्दी जल्दी ऐसे बनाया था। और जी जिस डोंगे में डाला उसी में मैं आपको दिखा दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगा। बस इसको रख दिया दम पे, इतने दम पे रखेंगे इसको भूनने कि इसमें पानी की बिल्कुल भी रास नहीं रहे ना। तो इसमें डाल दिया मैंने जी काली मिर्च,
तो बाद में आप इसमें हरा धनिया हरी मिर्च डाल के गार्निश करें और खाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जी अल्लाह हाफिज़।